हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोचत रोड पर रहेगी तीसरी आग की नजर, चारों ओर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। दीपोत्सव को लेकर पुलिस थाने में व्यापार संघ की बैठक आयोजित। सोजत रोड कस्बे के पुलिस थाना परिसर में रविवार को दीपावली पर्व को लेकर कानून व्यवस्था के लिए बैठक संपन्न हुई। बैठक में थाना अधिकारी ऊर्जाराम कस्बा चौकी प्रभारी घनश्याम ने व्यापारियों से त्योहार को लेकर अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। व्यापार मंडल ने कस्बे के प्रमुख मार्गों व बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत बताई। व्यापार मंडल ने स्वयं के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई। इस दौरान कपड़ा व्यापार संघ एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश शिरवी किरणा, अध्यक्ष सुनील गुंडेचा, राजेश गुंडेचा, अनिल कुमार व्यास, मोहन सिंह, अनिल शर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, मुन्ना भाई भंसल, माणकलाल मारू, दयाल राव, कालू भाई मारू, देवराज सोनी, हेमाराम चौधरी, नेमी नाथ, वीरेंद्र पुनिया, ज्ञानचंद उपाध्याय, साबिर अली रंगरेज, किशोर भारती, राधेश्याम उपाध्याय, नेमी नाथ, प्रकाश पालरिया व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद थे। क्राइम को देखते हुए कस्बे के नेहरू पार्क ओवर ब्रिज के दोनों तरफ महाराणा प्रताप चौराहा, आलावास रोड, सियाट चौराहा, नाथों की प्याऊ, मेन बाजार, तिलक मार्ग, सीसरवादा चौराहा सहित क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराध पर लगाम लग सके, अपराधियों की पहचान आसानी से हो सके। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।